पेश है हिंदी जबान में अपडेट। झूठे केस में यासीन मलिक के कन्विक्शन के विरुद्ध आज भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में पूर्ण बंद। यासीन मलिक के दंड के विरुद्ध विश्व में सभी महत्वपूर्ण राजधानियों में कश्मीरियों से प्रतिवाद का आग्रह। भारतीय कंगारू कोर्ट द्वारा यासीन मलिक का कन्विक्शन, न्याय का उपहास, ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारतीय न्यायालय द्वारा यासीन मलिक पर मुकदमा तथा कन्विक्शन राजनीतिक प्रतिशोध का भीषण उदाहरण। अनुचित निर्णय द्वारा यासीन मलिक का दंड इस बात का प्रमाण है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के आदेशों का पालन कर रही है। मोदी के शासन के न्यायिक आतंकवाद का एकमात्र लक्ष्य यासीन मलिक तथा अन्य हुर्रियत नेताओं की स्वतंत्रता की आवाज को कुचलना है। भारत के पक्षपातपूर्ण न्यायालय के यासीन मलिक के विरुद्ध निर्णय का लक्ष्य स्वतंत्रता प्रेमी कश्मीरियों को अपनी आवाज को उठाने से रोकना है। पाकिस्तान की सेनेट ने सर्वसहमति से एक प्रस्ताव के पारण द्वारा यासीन मलिक की अवैध नजरबंदी तथा अनुचित दंड की भर्त्सना की है। भारत की दमनकारी नीतियां कश्मीरी नेतृत्व की स्वतंत्रता की भावनाओं को नहीं दबा सकती। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को यासीन मलिक के केस में बंदियों के मूल अधिकारों के उल्लंघनों को बंद करने के लिए अपनी भूमिका निर्वाह करना चाहिए।